सो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। भाई सॉरी यार, मैंने काफ़ी लेट हो गई वीडियो में लगाना। तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड में थी वीडियो की, ये यानी ये ओरियो, ये आतंकवादी यहाँ इसका निकले है, तो इसका प्राइस कितना है और कितने में लिया और लॉकडाउन में कैसे मिल गया है लैब्राडोर। धागा काटा तो यार, कहाँ से लिया, कितने का लिया, देहरादून में कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे कहाँ से मिलेगा, तो आप कैसे ले सकते हैं डॉग, ये सब क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब। तो फाइनली आज की वीडियो में हम इसकी पूरी बात करने वाले हैं। पहले इसे मैं तुम हाँ, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है सबके माइंड में और जो मेरे से अभी तक पूछा गया है कमेंट्स में, फेसबुक पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, कि ओरियो कहाँ से लिया तुमने और हम यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ से कैसे ले सकते, कहाँ से ले सकते, कहाँ जाके ले सकते हैं हम डॉग, और हमें भी लैब्राडोर पपी चाहिए, कितने का मिलेगा ये, और कि क्या क्या कैसे कैसे होता है लैब्राडोर की, मतलब हम कैसे फाइंड करेंगे कि ओरिजिनल कौन सा है, और नकदी बोलते क्योंकि लैब में लैब्राडोर में सबसे ज़्यादा मिक्स ब्रीड मिलती है, बहुत लोग आपको ठग लेंगे इसलिए। तो यार वो चीज़ प्योरिटी चेक करने के लिए जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो आएगी कि आप कैसे चेक कर सकते हैं आपका लैब पपी जो है वो प्योर है कि नहीं, मिक्स ब्रीड है कि नहीं, ठीक है ओके। तो यार इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, आपको अगर डॉग लेना है, आप जिस भी स्टेट से हो, जहाँ से भी हो, आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो, आप अपने फ़ोन में कोई ग्रैप इंस्टॉल कर सकते हो या फिर गूगल पे जाके या कोई से भी ब्राउज़र पे आप सर्च कर सकते हो quicker.com, और ये आपको वेबसाइट मिल जाएगी कुछ इस टाइप की। तो ये वेबसाइट है, आप इसमें सर्च कर सकते हो डॉग ब्रीडर्स और डॉग कैनल, तो आपको आसपास जितने भी डॉग कैनल्स होंगे और डॉग ब्रीडर्स होंगे आपको मिल जाएगा उनका नंबर। और सबसे बड़ी बात, कभी भी ना किसी एक को कॉल करके नहीं पूछना, हमेशा 4-5 लोगों को कॉल करो या ज़्यादा को करो जितने नंबर्स आते हैं, फिर वो कॉल करके आप पता करो कि सबसे बेस्ट प्राइस किस पे। और पहली बात, कभी कॉल पे ऐसे करके डील आपने फिक्स कर ली हाँ कि भाई मेरे को ये चाहिए डॉग, ये चाहिए फलाना ढिमका पता है क्या, तो और वहाँ से आपको उसने भेज दिया, कभी ये चीज़ मत करना, कहो कि हमेशा ना डॉग खरीदते हो तो वहीं जाके लेके आना, क्योंकि उसके आपको मम्मी पापा मतलब पेरेंट्स जो होते हैं उसके वो देखना ज़रूरी है, पेरेंट्स के बिना यार क्या पता, फ़ोटो में आपने पेरेंट्स जो देखे वो कोई और हैं और जो उसका बेबी है वो किसी और का है, तो फिर वो चीज़ होती है ना, तो इसलिए काफ़ी लोग ऐसे करते हैं इंडिया में, इंडिया में तो ये बिज़नेस बन चुका है इसलिए। तो मैंने तो जाके देखा था और आपको देख ही रहा है, वो अभी दिखाया मैंने आपको, छोटू काफ़ी मस्ती कर रहा है आजकल, काफ़ी बड़ा भी हो गया, 3 months का होने वाला है। मैंने काफ़ी पहले वीडियो बनानी थी ये वाली, लेकिन ये टॉपिक तेरा है, दुरुस्त है बोल सकते तो अब मैंने आपको ये चीज़ बता दी, आप डॉग कहाँ से ले सकते हो और कैसे, और अब आ जाती है बात ओरियो की। तो ओरियो कितने का मिला, और पहली बात ये एक अच्छी ब्लड लाइन का डॉग है, ये आपको लगभग अप्रॉक्स 30-25,000 के बीच में मिल जाएगा। तो ये मुझे 30,000 करीब मिला है और विद पेपर्स मिला है। ये विद पेपर्स क्या होता है, देखो अगर आपको शो में ले जाना है अपना डॉग, पहले तो शो के लिए अच्छी ब्लड लाइन का डॉग चाहिए होता है और उसके पेपर्स होने चाहिए, KCI रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो फिर ये है KCI रजिस्टर्ड, तो ये मेरे को पड़ा है लगभग 25-30, ठीक है। और ये नॉर्मल पेट पर्पस के लिए नहीं है, ये अच्छी ब्लड लाइन का शो पर्पस के लिए, और जो पेट पर्पस के लिए आ जाते हैं वो कुछ इस टाइप के दिखते हैं और जो शो पर्पस के वो आपको दिख रहे होंगे कुछ इस टाइप के। तो यार ये डिफरेंस होता है और काफ़ी चीज़ों का डिफरेंस होता है, जैसे कि इनका वेट जो शो पर्पस के लिए होते हैं और अच्छी ब्लड लाइन शो पर्पस के लिए क्या बोल सकते हैं, वो तो भाई डिपेंड करेगा क्योंकि जब वो ग्रो होगा उसके टीथ जो भी मतलब उसके वो रिक्वायरमेंट्स होती है शो के लिए, तो वो तो बाद में देखा जाएगा, बट जो इनकी ब्लड लाइन और इनका जो मतलब बॉडी शेप है वो सब, तो वो एक अलग टाइप की होती है। तो ये है जैसे ओरियो, तो इसकी जो बोन्स हैं वो और जो पेट पर्पस के लिए हैं उनसे कुछ हैवी होती है, इनका वेट उनसे ज़्यादा होता है, और इनकी जो शेप होती है और साइज़ होता है वो नॉर्मल पेट पर्पस से थोड़ा ज़्यादा ही डबल सा होता है, ये कह सकते हो आप। तो पेट पर्पस के लिए अगर आप देखो, अगर आपको घर के लिए लेना है तो भाई पेट पर्पस के लिए क्यों खर्च करने हैं फालतू में, 25,000 रुपये बहुत होते हैं, फालतू क्यों खर्च करने, तुम अपना यार तुम्हें 15 से कम में मिल जाएगा पेट पर्पस के लिए, और काफ़ी अच्छा लैब्राडोर मिलेगा लगभग, क्योंकि जितने भी आपने देखे होंगे आपके आसपास होंगे लैब पपीज या लैब्राडोर डॉग्स जो होंगे वो सब पेट पर्पस वाले होते हैं, और वो कम से कम 15,000 मैक्सिमम।
तो ये चीज़ होती है। तो अगर यार मैं तो ये बोलूँगा आपके लेना है तो 15,000 तक का ले सकते हो, और अगर आपको शो में ले जाना है तब भी खर्च करने का फ़ायदा है। मैंने इसको शो पर्पज़ के लिए लिया और मेरे को अच्छी ब्लड लाइन का डॉग चाहिए था, इसलिए आप देख रहे होगे उसका फेस रिंकल फेस। मैं दिखा देता हूँ एक सेकेंड। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा ये देखो पंच फेस है। और यार ये अभी सो रहा था, उसे बीच में उठा के लिया है। सो जाओगे, सॉरी बाबू। तो ये अभी नींद में हो रहा है, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कितनी मस्ती कर रहा था। अभी खाना वाना खा लिया, अब रात का टाइम हो ही रहा है तो ये सो रहा है, तो वैसे उठा के लिया। तो ये डिफरेंस होता है, और ये आपको दिख रहा होगा काफ़ी हैवी भी है, देखो यार। और ये कितना बड़ा है, देखो ये देखो। सो जाओ, ये डिफरेंस हो गया, और इसके प्राइस भी आपको पता ही चल गया, और कहाँ से लेना है वो भी आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन आ जाता है क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है पपी को। तो यार देखो, पहले तो आप स्टार्टर और पपी स्टार्टर रॉयल कैनिन का मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कि ये है। तो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है फीड, और मेरे पपी को भी बहुत पसंद था। और अब तो ये खाता नहीं, अब तो खाना वाना खाता, अब 3 महीने का होने वाला है, उसे इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज़ में। और फिर भी थोड़ी बहुत खाते हैं, लेकिन क्योंकि ये ज़रूरी होती है, सफिशियंट होता है उनकी डाइट के लिए, है ना। और वो सेरेलेक आप वो दे सकते हैं अपने पप्पी को। सारे क्वेश्चंस के जितने भी आप लोगों ने पूछा, और काफ़ी दिनों से यार मेरे को कमेंट्स आ रही थी यार ये चीज़ की कि कहाँ से लिया भाई, कितने का है तुम्हारा डॉग, कहाँ से ले सकते हैं हम। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी ना, तो यार अभी जल्दी से जाके लाइक कर दो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि भाई आगे जो है ना, आगे बहुत ही बढ़िया कंटेंट आने वाला है, बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग वीडियोस आने वाली है। और भाई मैंने अभी इसे क्या क्या सिखा दिया, देखो सेट कमांड जो सबसे बेसिक में आती है वो चीज़, सेट कमांड, शेक हैंड, हाई फाई, और राइट और लेफ्ट हो कौन से हाथ से करना है, शेक हैंड, हाई फाई, ये चीज़। बार्क बहुत मुश्किल रहता है बार्क सिखाना, वो सिखा दिया है, और स्पिन सिखा दिया है। अभी हुला हुप जो होता है उसे मैं जंप का सिखा रहा हूँ, तो वो भी जब आ जाएगा तो मैं आपको वीडियोस में मिल ही जाएंगी। सब्सक्राइब कर लेना यार, काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई, हमारी फैमिली ज्वाइन कर लो तुम लोग भी, और आगे फ्यूचर में काफ़ी मस्त कंटेंट आने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो बिना किसी देर के, और लाइक कमेंट शेयर तो कर ही देना यार, है ना। बहुत मेहनत लगी यार, ये पूरा सेटअप आपको दिख रहा होगा पीछे भाई, इतनी इतनी बार इतनी बार शूट किया, तब जाके ये फाइनल अपना सेटअप तैयार हुआ है, फाइनली अपने लाइटिंग वाइटिंग का ये सब सेट हुआ है, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भाई स्टे सेफ, भाई कोरोना हो रहा है तो घर में रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय, ध्यान रखो।